हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस नेकलेस को बनाने के लिए मैंने यूज़ किया है दिस सिल्क थ्रेड। ये बहुत थिन है, इसलिए मैंने यहाँ पे दो कलर्स को मिक्स किया है। एंड मैंने यूज़ किया है दिस पर्ल बीड्स, इजर निडल, एंड जो हुक मैंने यूज़ किया है वो है D3, दैट इज़ D3 3.125 mm साइज का। सो इस नेकलेस में मैंने टोटल नंबर ऑफ लेयर्स यूज़ की हैं 5। पर लेयर मैंने यूज़ किया है नंबर ऑफ 3, 6, 7, 8, 9 पर्ल्स। सो ईच लेयर आई हैव यूज 2, 4, 5, 6, 7, 8 and 9 नंबर ऑफ बीड्स। सो लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू मेक इट। सो सबसे पहले हम सारे जो हमारे पर्ल्स हैं उसको इस थ्रेड में ले लेंगे। सो फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू इज लाइक यू हैव टू टेक ऑल योर पर्ल्स इन टू अ थ्रेड विद द हेल्प ऑफ निडल। सो यू हैव टू चूज अ निडल वाइजली। सो ये सारे पर्ल्स हमने हमारे सिल्क थ्रेड में ले लिए हैं। सो नाउ वी हैव ऑल आर पर्ल्स इन आर सिल्क थ्रेड ऑन विच वी आर गोइंग टू वर्क। सो सबसे पहले हम स्लिप नॉट बनाएंगे हमारे हुक में। एंड 25 चेन्स हम बनाएंगे। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. सो ये मेरी 25 चेन्स बन गई हैं। इसके बाद हम अपने पर्ल को लेंगे एंड इस हुक में धागे को यूं आपको ये पर्ल अपना लेना है एंड इस धागे को हुक में लपेट के आपको एक चेन बनानी है लाइक दिस। सो ये हुक पर्ल आपके थ्रेड में आ जाएगा। नाउ अब हमको 25 चेन फिर से बनानी है। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. सो अगेन फिर से हम अपना बीड लेंगे एंड सेम वे में हम इसको फंसा लेंगे। सेम प्रोसेस आपको करनी है। 25 चेन बनाना है, बीड्स लेना है और इसे आपके थ्रेड में फंसा लेना है। सो मैं आपसे मिलती हूँ इस लास्ट बीड पे। सो ये मैंने सारे 9 बीड्स को ले लिया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। नाउ अगेन हमें 25 चेन्स बनानी है। नाउ हम इसे अपने थ्रेड में लेके
अगेन वी विल मेक 25 चेन. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17. Two, 23, 24, 25. इसके बाद जो आपकी फर्स्ट वेरी फर्स्ट चेन जो थी उसमें हम इसे स्लिप स्टिच के थ्रू ज्वाइन कर देंगे. स्लिप स्टिच this is you joined this so you joined this two chains. Now you have to take your hook, insert your hook below the chain, grab your horn and pull through this loop so it become more secure. Now you cut your thread. Hum apne thread ko kaatenge. Pull this end. आपकी चेन रेडी है. मैंने यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ 5 चेन्स बनाई हैं. आप अपने हिसाब से इसे कम या ज़्यादा ले सकते हैं. आप अपने सारे चेन्स को जहाँ पे हमने एंड किया था उस पॉइंट से लेके प्रॉपरली अरेंज कर लेंगे. 3, 4. दिस इज माई चेन्स. इसको मैंने प्रॉपरली अरेंज कर लिया है एंड जो भी मेरे एंडिंग पॉइंट्स थे जहाँ पे मेरे लूज एंड है इसको आप इस प्रकार से अरेंज कर लीजिए. एंड निडल एंड थ्रेड लेके हम इसको सिल लेंगे. सो टेक अ निडल एंड थ्रेड एंड सीयू एंड स्टिच ऑल दिस टुगेदर. सो इसे नंबर ऑफ टाइम यू हैव टू रिपीट टू मेक इट सिक्योर. Now after securing all your layers and सारी layers को एक साथ सिलने के बाद हमको you have to just cut. आपको you have to cut the loose ends. हम इस loose ends को काट लेंगे. Now we are going to hide this joint. इस joint में मैंने कि रोज़ फ्लावर बनाया है. इसको कैसे बनाना है ये आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं. इसे हम लेंगे और यहाँ पे इस पर्ल के साथ इसको टक इन कर देंगे लाइक दिस. सो टू डू दैट आपको अपने इसको लाना है. यू हैव टू योर रोज okay you have to take bead okay make it secure.
दिस इज़ रेडी टू वेयर. यू कैन वेयर इन एनी ओकेजन्स विथ एनी ड्रेस. आई होप यू इंजॉयड दिस वीडियो एंड लर्न फ्रॉम दिस. थैंक यू वेरी मच. सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो.